हेलो लर्नर्स, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। अब शुरू करते डे थ्री का पार्ट टू। बट आपने ये सीधा और उल्टा डी मिरर इमेजिंग का बनाना सीख लिया होगा, और अगर आपने नहीं बनाना सीखा है तो फिर आप गड़बड़ काम कर रहे हैं। आइए अब शुरू करते हैं एक नई फैमिली के लेटर्स। देखिए क्या करना है, ये स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं ना, करेक्ट, और आप ये डी बना लेते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन कहां तक लेके आनी है, इस पॉइंट तक। ये पॉइंट तो पता है ना हमको, कौन सा पॉइंट है, इसके इसके बीच का सेंटर और इसके बीच का सेंटर, ये पॉइंट। तो कहां तक लाइन को लेके आना है, इस पॉइंट तक, करेक्ट, यहीं तक तो लेके आना है। अब क्या करना है, इसको लेकर के आना है और यहां से वही डी बना देना है जो डी बनाया था हमने, और अगली लाइन को नीचे तक लेके आना है। क्या बना, ग, क्या बन गया, देखिए इसको नीचे तक लेके आना है, वही डी है ना, सेम डी है जो डी बन रहा था, देखिए सेम डी है। अब क्या है, क्या ध्यान रखना है आपको, दो बातों का, एक इसके और इसके बीच का गैप कितना है, ये गैप हमेशा बराबर रहना चाहिए, करेक्ट। दूसरा क्या ध्यान रखना है, दूसरा ध्यान रखना है ये नीचे का गैप, ये है कि नहीं है, करेक्ट। ये ऐसे नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। बहुत से लोग गा को ऐसे बनाते हैं, दिस इज रॉन्ग। ये इससे थोड़ा सा शॉर्ट होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। फिर देखिए ठीक है, करेक्ट, समझ में आ रहा है। इसी को टू लाइन की नोटबुक में ट्राई करें। देखिए हम टू लाइन की नोटबुक में पैरेलली ट्राई करते रहेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि टू लाइन की नोटबुक में पैरेलल ट्राई नहीं कर रहे हैं। देखिए ये तब जब मुझे पूरी कॉपी में लिखना है, करेक्ट, बड़ा सा, ठीक है ना, देखिए उतना ही गैप है। मुझे छोटा लिखना है, इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं ना, तो छोटा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक्चुअल में तो इतना ही बड़ा लिखेंगे ना। गमला मुझे लिखना है तो कितना बड़ा लिखेंगे, इतना ही बड़ा तो लिखेंगे, राइट, कैसे यहां पर आएंगे और इतना बड़ा लिखेंगे। सो करना मुझको क्या है, मुझे काम यह करना है कि मुझे फोर लाइन, फाइव लाइन और टू लाइन पे पैरेलल पैरेलल लिखते जाना है। ये क्या हो गया था मेरा, ग। अब अगर मैं इसको मिला दूं तो क्या हो गया क्या हो गया, म। म बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, क्या ये सेम पॉइंट से आकर के मुझे सीधे जाना है, क्या बन गया मेरा, म बन गया, करेक्ट। अब देखते हैं इसको टू लाइन की नोटबुक में, बन गया, छोटा बनाते हैं जितने साइज में लिखना है, राइटिंग फॉन्ट। किन चीजों का ध्यान रखना है, फिर इसके बीच का गैप और ये गैप, दिस हैज टू बी टेकन मच केयर। फिर देखिए हो रहा है, बन रहा है, करें, बन रहा है, एग्जैक्टली बन रहा है, राइट। अब देखिए तीसरे लेटर पर बात करें, थर्ड लेटर, एक लेटर हो गया, दो लेटर हो गया, थर्ड लेटर देखिए, देखिए सेम चीज बना रहे थे हम, सेम चीज फिर बनाएंगे, क्या बना, न। देखिए बेस एक ही है, क्या ये उल्टा डी, देखिए म और न में कुछ नहीं, केवल ये लाइन नहीं है, देखिए केवल ये लाइन नहीं है, करेक्ट, और मां से क्या बन जाता है, न बन जाता है। देखिए अब प्रॉब्लम क्या है, जब हम 4S का ध्यान नहीं रखते हैं, 4S क्या होता है, साइज, साइज का ध्यान नहीं रखते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है, करेक्ट। आप इसको मिला के देख लीजिए, ये मां होना चाहिए। न को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, आप इसको बनाइए और इसको मिला के देखिए क्या ये म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है तो मतलब न आपका सही है।
फिर देखिए, ये क्या बन गया न, ये क्या बन गया म, सही है ना? करेक्ट। तो समझ में आया हमको ग म और न, तीन चीजें समझ में आई। अब सोचिए अगर इसी को ये यहां पर भी बना दे तो क्या होगा, कितना सिंपल है। एक बेसिक है बहुत छोटा सा, वो बेसिक मुझे पता है तो मुझे सब पता है। आप देखिए यहीं से इस डी को शुरू करते लौट के लेके आते हैं, फिर इसी डी को शुरू करते हैं, ऐसे आते हैं और ऐसे आते हैं, क्या हो गया, हो गया ना, एक अंतर है म और भ में। देखिए म में लाइन पूरी चलती है, भ में क्या होगा, यहां से शुरू करेंगे यही डी, करेक्ट, और लाइन केवल यहां पर आएगी, ऊपर वाली लाइन इसको टच नहीं करेगी। अब इसमें प्रॉब्लम कब आएगी आपको, केवल तब जब आपने ये नहीं सही बनाया होगा। देखिए कुछ और जार्गन तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो आपने पहले बनाना सीख लिया, टी बनाना पहले सीख लिया। अब अगर टी नहीं बनाना सीखा था तो प्रॉब्लम है, अगर आपने ये बनाना सीखा है तो प्रॉब्लम तो है ही नहीं भाई साहब। प्रॉब्लम है कहां, प्रॉब्लम है ही कहां अगर आपने ये बनाना सीखा था, प्रॉब्लम है ही कहां अगर आपने ये बनाना सीखा था, प्रॉब्लम है ही कहां अगर आपने ये बनाना सीखा था। प्रॉब्लम कब है, जब आपने ये बनाना नहीं सीखा, डी बनाने पे काम नहीं किया, डे थ्री के पार्ट वन पे काम नहीं किया। सो फिर से एक बार टू लाइन नोटबुक पे आते हैं और एक बार फिर देखते हैं ग बनाने के लिए क्या करना है, ये बस डी बनाना है मुझको, ठीक है। म बनाने के लिए इन दोनों लाइनों को जोड़ देना है तो म बन गया, ठीक है। न बनाने के लिए क्या करना है, सेम बनाना है, न बन गया। भ के लिए डी से ही शुरू करना है, नीचे फिर डी पे आ जाना है, ये क्या बन गया हमारा, भ बन गया, राइट। ये हो गया एक फॉन्ट। अब हम इसके फॉन्ट्स को बदल सकते हैं। देखिए फिर अच्छा खराब कुछ नहीं होता, जो आपको अच्छा लग जाए वो अच्छा है, अदरवाइज अच्छा नहीं है। देखिए मैं आपको फॉन्ट बदल के दिखाता हूं। मान लीजिए म ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए ऐसे गए थे, ऐसे जाकर के ऐसे आ जाइए, ये भी तो म है, ये स्ट्रेट नहीं गए। बहुत से लोग ऐसे बनाते हैं, बहुत से लोग इसको बहुत ही ऐसा बनाते हैं, ये बनाते हैं, करेक्ट। बहुत से लोग नीचे इसको जो है ऐसे बनाते हैं। अब जो अच्छा लग जाए आपको, नहीं आप सर्कल करना है लीजिए, ट्रायंगल बनाना सीख लीजिए, ऐसे बना लीजिए, सीख लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए तो यही आपका न हो गया, ठीक है, यही आपका ग हो गया, यही आपका म हो गया, करेक्ट। सो अगेन जो मैं बात करता हूं, हमेशा मैं यही बात करता हूं कि बेसिक्स पे काम करिए। अगर हमने बेसिक पे काम किया है तो आगे किसी भी जगह प्रॉब्लम हमको आएगी ही नहीं, और अगर हमने बेसिक पे काम नहीं किया सो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। सो इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप इस डे वन, डे टू, डे थ्री के सारे अल्फाबेट्स को मिलाएंगे और लास्ट में एक अल्फाबेट आप लिखेंगे, एक वर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो वर्ड है ये, क्या, ग म और यहां से लेके आते हैं ना ये और ये, गम ला, ठीक है। अब इसको टू लाइन में भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं गमला को लिखना, देखते हैं कैसे लिखेंगे। फोर एस का ध्यान रखना है, ग म ला, क्या हो गया, गम ला, ठीक लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। अब इसको दूसरे फॉन्ट में भी ट्राई करिए, गमला लिख के ट्राई करिए, मगला लिख के ट्राई करिए, जो भी लिख सकते हो इतने अल्फाबेट से जो आपने सीखा है उनको ट्राई करते रहिए। दैट्स ओनली वन वे टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, नथिंग एल्स, राइट। जो जो लिखेंगे वो आप अपने ग्रुप में डालते रहेंगे, अपने टीचर से परमिशन लेके ही आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट